जय हिंद। 2022 के लिए गेस्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। 2022 के लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ललित मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपको रेखा प्रकाशन के द्वारा, गेस्ट पेपर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे ऑनर्स पेपर का, पार्ट थ्री का करा चुके हैं, आज आपका उसमें है तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। ये जो आपका वीडियो है पार्ट थ्री के लिए, ऑनर्स पेपर 8 नंबर का है हिंदी का, ठीक है। तो देखिए पार्ट थ्री में आपका 400 का एग्जाम होगा ऑनर्स का, और 100 होगा GS, उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको चलिए शुरू करने जा रहे हैं BBI क्वेश्चन से, जो कि इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के प्राप्त कर सकते हैं। LLM स्टूडेंट्स और एक है LLM यूनिवर्सिटी, सर्च कीजिएगा आपका आ जाएगा, नहीं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाले, ठीक है, काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाले। अगला जो BBI है लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों को लिखिए, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों को लिखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हमने बहुत सारे BBI क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछा गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बच्चे का कमेंट देख सकते हैं, आपको अच्छा नहीं गलत लगता होगा। तो यह क्वेश्चन है वर्थ सवर्थ के काव्यगत सिद्धांतों का परिचय दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो BBI क्वेश्चन है वह है स्वच्छतावाद के मूल सिद्धांतों मान्यताओं का परिचय देते हुए उसकी समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। अगला नंबर है जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति का विश्लेषण करें, और आगे है जाए इसके बाद आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना बिल्कुल क्या है घुली मिली है समीक्षा करें। अगला नंबर जो BBI है वो आपका यहाँ पे है लास्ट नंबर क्या है अथवा में जो है यहाँ पे है रस सिद्धांत का परिचय दिए। उसके बाद जो लघु उत्तर की इस प्रश्न, देखिए आपको सबसे पहले रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर खरीदना होगा, अर्ज नहीं लिए हैं तो, क्योंकि उसमें सभी का आंसर दिया गया है। और आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका वो PDF फाइल प्रोवाइड कराया गया है, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मार्केट से आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।